हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन के ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें जहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं। जिस रिएक्शन में इनमें से कोई भी एक प्रोसेस हो रहा हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? इसमें जो मैग्नीशियम है ना, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन होकर जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि H2S की ले ली हमने, इसमें Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा प्लस सल्फर रिलीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखो, आप बोलोगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं है, इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन थी, तो जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ आकर मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो पहले वाले केस में हमने देखा ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दूसरे वाले केस में हमने देखा हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ठीक है, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगी या ऑक्सीजन ऐड होगी, उसके उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। फिर आती है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड होगी या ऑक्सीजन रिमूव होगी या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स या ग्रुप ऐड होंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या ग्रुप रिमूव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, H2+Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की हमने रिएक्शन करवाई, तो इससे क्या बन जाएगा? 2HCl। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो क्लोरीन है इसकी रिडक्शन हो रही है, Cl2 की रिडक्शन हो रही है। Cl2 की रिडक्शन कैसे हुई? इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो गया, तो Cl2 की रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के रिमूवल की, तो उस केस में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लस कार्बन, तो इसमें क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा Cu+CO2। तो इस केस में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ पे CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, तो इस केस में जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई और अकेला कॉपर रह गया, राइट? नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है? अगर तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो पहले हमने पढ़ा था वो ओल्ड कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, बट ये वाला मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो इट मीन्स रिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सोडियम की यहाँ पर, तो सोडियम की जब ऑक्सीडेशन होगी, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लॉस होंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो इट मीन्स सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। कोई और ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया Cl2+, इसमें क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो इट मीन्स इसकी क्या हो रही है? इसकी रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए ना जब सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन में क्या है? रिडक्शन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन हो रहे हैं। फिर आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं, जिनकी खुद की तो रिडक्शन होती है बट बाकी के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी ये ऑक्सीडेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इससे क्या बन जाएगा? CuO+
CO कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है, इसमें इसकी खुद की तो रिडक्शन हो रही है बट बाकी ये जो है उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। यहाँ पे कार्बन की तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है बट इसकी खुद की रिडक्शन हो रही है कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। खुद में से इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और ये जो है अपना कार्बन है, कार्बन की ये कर रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इनकी खुद की तो ऑक्सीडेशन होती है, जो बाकी के सब्सटेंस होते हैं उनकी ये रिडक्शन करवाते हैं, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। फिर आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली चलते हैं, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन होगी और फिर रिडक्शन होगी, दोनों जो है रिएक्शंस दोनों एक साथ चल रही है, जैसे हमने ऊपर ये वाली एग्जांपल ली थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, ठीक है। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई थी, कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई थी, रिडक्शन हुई थी। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता है मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन एटम पे जो चार्ज होता है ना, उस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपकी बुक में ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद एक दे रखा है रूल्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको पेपर में नहीं पूछेंगे, ये आपका आता है मेन कोर्स में। अगर आप प्लस वन प्लस टू में हो तो उस केस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, वो पूछ सकते हैं, बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको नहीं आएगा। वो नहीं पूछेंगे कि किसका कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, इसलिए वो वाला टॉपिक मैं स्किप कर रही हूँ। फिर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब कंपाउंड को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं या कंपाउंड अपने आप ही डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद वो दो या दो से ज्यादा आगे कंपोनेंट्स बनाता है, ठीक है, जिसमें से जो एक कंपोनेंट रहेगा वो एलिमेंटल स्टेट में होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि डिकम्पोजिशन हो रही है, कंपाउंड टूट रहा है, ठीक है, टूट के कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर की हम अगर एग्जांपल ले 2H2O, तो इस केस में क्या हो रहा है, वाटर के केस में हाइड्रोजन गैस अलग बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाएगी, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या था, डिकम्पोजिशन में एक ही कंपाउंड टूट रहा है, टूट के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर, केमिकली कंबाइन होकर वो एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिप्लेस होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के एटम या आयंस वो दूसरे किसी एलिमेंट के एटम या आयंस के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आयरन सल्फाइड की, ठीक है, FeSO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है, ये एक्वस फॉर्म में है, इसकी जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा और आयरन निकल जाएगा, ठीक है, आयरन के जो है वो अलग रह जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक, ये पहले जो था SO4 था ये आयरन के साथ था, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद इसकी रिप्लेसमेंट हो गई और ये जिंक के साथ आ गया, ठीक है, जिंक सल्फाइड इसने बना दिया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो एक सब्सटेंस होता है वो तो ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है, एक ही सब्सटेंस जो है उसी की ऑक्सीडेशन होगी, उसी की रिडक्शन होगी साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट
रिएक्शन, ठीक है, एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। फिर आती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, वन और मोर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गेट रिप्लेस्ड बाय सूटेबल एटम्स और ग्रुप्स। मतलब कि एक एटम और ग्रुप वो किसी और एटम और ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मिल रहा है, मतलब सब्सटीट्यूट मिल रहा है, ठीक है, एक एटम और ग्रुप किसी दूसरे एटम और ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था एक ही जो था वो डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें आपस में ये रिप्लेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इथाइल क्लोराइड की, ठीक है, इथाइल क्लोराइड क्या होता है, C2H5Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद इसका क्या बना, रिएक्शन होने के बाद OH जो है वो इनके साथ आ गया, ठीक है, और ये KCl अलग रह गया, पोटाशियम क्लोराइड, मतलब कि रिप्लेसमेंट हो रही है इनकी, ठीक है, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। फिर आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होती है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड बेस की रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है, HCl क्या है, HCl एसिड है, ठीक है, इसकी बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन जाएगा, इसमें सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, NaCl सॉल्ट बन गया और प्लस वाटर आ गया, ठीक है, H2O। फिर आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन, जो रिएक्ट सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट्स है ना वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, रिएक्शन की जो एक साइड पे होते हैं, रिएक्टेंट्स ये वाले हो गए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एरो आएगा, ठीक है, एरो की जो इस साइड वाले हैं ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये आ गए प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स मिल के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो वाले प्रोडक्ट फिर से रिकम्बाइन होकर वापस रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन दोनों साइडों पर चल रही है, पहले रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनेंगे और प्रोडक्ट से फिर से वापस रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, 2NH3 हो गया, ठीक है। अब फिर से इसकी रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन होने के बाद वापस ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, ठीक है, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन इसका उल्टा होता है, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया बस, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स इसमें नहीं बनेंगे, जैसे कि CaCO3 वाली हो गई, ठीक है। CaCO3 में क्या होगा, CaCO3 की जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इस केस में ये वापस प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, जो रिएक्टेंट्स है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स नहीं बन रहे, मतलब कि रिएक्शन जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।